अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और गार्डनिंग में भी बिज़ी होंगे। तो आज जो है वो थोड़े से जो हमने पोटैटो लगाए हुए थे एक पॉट में बड़े ग्रो बैग में, तो उनके प्लांट जो हैं वो बिल्कुल सूख गए हैं, मतलब कि बिल्कुल डेड हो गए हैं और इनको हार्वेस्ट करने का जो है वो टाइम आ चुका है। तो हम इसकी जो है वो कुछ हार्वेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि इसमें से हमें कितने पोटैटो मिलते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा खोला था, एक प्लांट को उतारा था मैंने और थोड़ा सा हैंड से ही मैंने उसको ऐसे मिट्टी से निकाला है। तो ये उसमें से बहुत अच्छे से जो हैं वो पोटैटो निकल रहे हैं। और अभी चूँकि मैं एक ही हाथ से वीडियो भी बना रही हूँ और साथ में ये काम भी कर रही हूँ मिट्टी को खोदने वाला, तो ये चेक करें आप आलू का साइज़। और मुझे उम्मीद तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि मैंने इनको लगाने में जो मिस्टेक की थी तो वो भी मुझे पता है। और फिर भी उम्मीद करते हैं कि इसमें से हमें जो है वो अच्छे पोटैटो मिलेंगे। तो अभी जो है वो मैं सारे ये निकालती हूँ मिट्टी को, क्योंकि ग्रो बैग को अगर मैं पलट दूँगी नीचे तो वो बहुत मिट्टी फैल जाएगी। तो मैं ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता जो है हैंड की मदद से इसमें से निकालूँगी। और इसकी अगर हम खाद की बात करें तो मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ वही फर्टिलाइज़र मैं देती रही हूँ जब तक इसके जो प्लांट थे वो थोड़े ग्रीन थे और ग्रो कर रहे थे। क्योंकि इसमें मेरी लौकी की बेल थी तब जब मैंने इसको लगाया था, और मैंने ऊपर ही थोड़ी सी मिट्टी खोद के तो जो मेरे आलू स्प्राउट हुए थे, चार आलू थे जो मैंने इस ग्रो बैग में लगाए थे, और फिर वो बेल ख़त्म हो गई कद्दू की। तो उसके बाद जो है मैंने उसको निकाल दिया और फिर इनको जो है वो मैंने सिर्फ 2 इंच की मैंने और लेयर मिट्टी की ऊपर डाली थी इनके प्लांट्स के ऊपर, जो कि काफ़ी नहीं थी बट पॉसिबल ही यही था। तो मैंने 2 इंच की इसके ऊपर जो है वो मिट्टी डाल दी थी। और फर्टिलाइज़र इसको मैंने कोई ऐसा पोटैटोज़ के लिए कोई ख़ास नहीं दिया है, सिर्फ वही फर्टिलाइज़र मैं इसको देती रही हूँ जो मैंने अपने बाकी प्लांट्स को दिया था। तो उसी से आप देख लें कि पोटैटोज़ जो वो हैं वो हमें अच्छे साइज़ के मिले हैं। और ये मेरी फ़र्स्ट अटैम्प्ट थी इनको ग्रो करने की, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छे यहाँ से और निकलेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न जो है मैं प्रॉपर वे से जो है इनको ज़रूर ग्रो करने की कोशिश करूँगी, और हम भी जो है वो थोड़े ऑर्गेनिक जो पोटैटोज़ हैं उनका टेस्ट जो है वो लेंगे अपने खानों में कि कैसे होते हैं। तो चलें मैं ये सारे निकाल के तो फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हमें यहाँ से कितनी हार्वेस्टिंग मिली है। और ये देखें आप कितना ज़बरदस्त आलू का जो है वो साइज़ मिला है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इनको देख के। तो जितने भी निकलेंगे बहुत ही खुशी होगी देख के कि हमने अपने जो है वो घर में भी इनको ग्रो किया, और बहुत अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस रहा है मेरा इनको भी ग्रो करने का। तो नेक्स्ट सीज़न जो है मेरी थोड़ी उम्मीद जो है वो ज़्यादा हो रही है कि मैं जो हूँ वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इनको नेक्स्ट ग्रो करूँ। और कुछ इस तरह के भी हैं साथ, शायद अभी और बन रहे थे बट प्लांट तो सूख गए थे, और पता नहीं अब हमने जल्दी तो नहीं की इनको हार्वेस्ट करने की। और वैसे तो ये सूख जाएं तो इनको निकाल लेते हैं, इनका टाइम होता है कि इनको हार्वेस्ट कर लिया जाए, लेकिन ये भी इसमें जो है छोटे छोटे अभी भी इनकी जड़ों में आलू बन रहे हैं। तो देखते हैं कितने मिलते हैं हमें यहाँ से। और यहाँ पे आप देखें कि ये सिर्फ इतनी डेप्थ में से मुझे पोटैटो मिले हैं, और ये हाफ साइड मैंने चेक की है, और जौन से हमें मिले हैं और वो हैं ये पोटैटो जो हमें मिले हैं एक साइड से। यही मैंने जब इनको लगाया था तो मैं नीचे से शुरू करती इनकी लेयर, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इस ग्रो बैग को भरते। ये 16 इंच का ग्रो बैग था तो हमें बहुत सारे पोटैटो मिल सकते थे, बट कोई बात नहीं, पहली दफ़ा थी। और ऐसे ही इंसान जो है वो कर कर के सीखता है काम, और किसी भी काम में आप जो है वो एकदम से परफेक्ट नहीं हो जाते। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट जब भी ग्रो करूँगी तो फिर हम जो है वो प्रॉपर वे से करेंगे। और अभी मैं ये हाफ़ साइड है इसकी जो यहाँ से अब निकालती हूँ, तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमें यहाँ
कितने पराठों मिलते हैं। तो ये रहे हमारे टोटल आलू की हार्वेस्ट, जो कि बहुत अच्छी रही है जिस हिसाब से हमने इनको यहाँ लगाया था ग्रो बैग में। और मुझे ये सिर्फ जो है इसकी तकरीबन 3 या 4 इंच की लेयर में से ये इतने पराठों मिले हैं, और ये वेट में किसी भी तरह से 1.5 kg से कम नहीं है, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और इसमें आप आलू का साइज़ भी देखें, और ये देखें काफ़ी सारे आलू हैं जो बहुत अच्छे साइज़ के हैं। और ये अभी खुरपा लगा मेरे से ही कट गया है, और कुछ हैं जो बहुत छोटे हैं उस पर अभी बन रहे थे शायद इस तरह के। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग रही है। मैं नेक्स्ट सीज़न जब भी ग्रो करूँगी तो हम इसको अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। और इसको हमने कोई स्पेशल खाद भी नहीं दी थी, कुछ भी नहीं किया था, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और आप में से भी किसी ने ग्रो करने हो तो इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी हैं ग्रो करने। और बस आपका मेथड जो है इनको लगाने का वो प्रॉपर होना चाहिए, तो फिर हमें जो है वो बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा जो है वो पोटैटोज मिलेंगे। तो बस ये थी पोटैटो की हार्वेस्ट, और जो कि हमने फर्स्ट टाइम ग्रो किए थे, बहुत अच्छी है। तो मेरी वीडियो और हार्वेस्टिंग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।